उन्होंने बताया कि ये इंडिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ब्यूटीफुल पीपल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज संचित एंड ही इज माय ब्रदर भगवंत विद मी वो पहाड़ का व्यू दिखा दे एक बार अगर दिखता है तो है ना ऑसम गाइस। सो आज हमारी ट्रिप का डे 3 है एंड हम लोग अभी निकले हैं होटल से अभी 11:23 और अभी प्लान है हम लोग जा रहे हैं रुद्रधारी वाटरफॉल जो कि यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर है। आप लोगों ने देखा रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब था वो सब क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ऊपर वहाँ पीछे हम लोग की गाड़ी पार्क है वहाँ पे एंड यहाँ से अभी आगे हमें ये रास्ते पे जाना है और यहाँ से जो ट्रैक है लगभग 2 किलोमीटर है तो हमने रास्ते में से एक गाइड ले लिया था छोटा सा लड़का ही है क्या नाम है उसका करण कुमार नाम है भाई का 150 रुपीज़ वो अभी चार्ज कर रहा है मे बी अभी टूरिस्ट नहीं है सीज़न नहीं है तो इसलिए बट आप लोग आओ तो अपने सबसे बात कर लेना कितना कौन सा गाइड लेता है डिपेंड करता है बाकी लेट्स होप की रास्ता जो जर्नी है जो सफ़र है वो सफ़र ना बने इंग्लिश वाला सफ़र ना बने बट एंजॉयबल रहे। सुबह बोला मैंने जूते पहन लो ये हमारे एक बाहुबली हेमंत जो चप्पल पहन कर आए हैं वो भी वो और दूसरे बाहुबली क्रॉक्स पहन कर आए हैं हमारे छोटी बड़ी। सो अभी ये रास्ता है आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कठिन है ये अच्छा भाई बाकी यूट्यूबर की तरह तो नहीं है वो ढंग से दिखाते नहीं है। थैंक्स इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो। ये पूरी मशक्कत के साथ चलते हुए कुछ भी करने का जूता नहीं गीले करने का गाइस वहाँ पीछे रहा वाटरफॉल एंड टेंपल अभी यहाँ थोड़ा सांस लेने रुके हैं तीनों आगे चले गए हैं विद गाइड वो पहुँच गए नीचे तो अभी बस थोड़ा सांस लेकर नीचे जाते हैं फिर वहाँ से आप लोगों को वहाँ जाके दिखाता हूँ वहाँ का एरिया। सो ये हम पहुँच गए वाटरफॉल पे अभी बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है बट ठीक ठाक है नीचे पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर है अंदर और ये भाई गए थे अंदर पानी कैसा है पानी है -10 -0 होगा भाई। तो मैं देखता हूँ ये लोग तो लोअर पजामा पहन के आया मैं जीन्स पहन लिया तो जितना ऊपर होगी उतना ऊपर करके जितना जा सकता उतना जाऊँगा अभी इतनी दूर आए हैं तो ऐसे बिना एंजॉय कर तो जाएंगे नहीं वहाँ बैठ तो थोड़ा सा भाई वहाँ नहीं नहीं अंदर जाऊँगा एक बार ही तो जाऊँगा खड़े हो गए।
2-3 मिनट होल्ड कर ले। अरे 2-3 मिनट में तो मेरे फोटो की ठंडा है। फोटो ले ले भाई, फोटो। भाई मेरी फोटो ले लो प्लीज, मैंने बड़ा चिकना करा है। तो गाइस हम दोनों आए हैं पानी के अंदर। और मैं भी आया था। हाँ ये भी आया था, वो भाई भी आए थे। बट इन लोगों की थोड़ा ठंडा पानी देख के फट ली और वो चले गए वापस बाहर। हम इन्हें कह रहे हैं कि पानी की बोतल दे दो, पानी भर लेते हैं, पर इन्हें डाउट है ऊपर कोई ये ना। सो गाइस ये है केव टेंपल, ये बिल्कुल गुफा के अंदर बना हुआ है, पहाड़ी गुफा है। इतना क्लियर नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे, जितना पॉसिबल था मैंने आपको दिखा दिया। ये टेंपल और बिल्कुल साथ में वाटरफॉल, यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, दिल को इतना सुकून मिल रहा है, बिकॉज इट्स ऑल बिटवीन द नेचर, ऑल बिटवीन द फॉरेस्ट। वाटरफॉल में भी अभी इतना ज़्यादा पानी नहीं है, आई थिंक मानसून रहते होंगे तो बहुत ज़्यादा पानी आता होगा, बट जितना भी है बहुत अच्छा है। पानी नीचे भी जो रिजर्वॉयर कलेक्ट हुआ हुआ है पानी बहुत क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। छोटे छोटे फिशेस भी हैं अंदर, हम लोग अंदर गए तो ऐसा है कि अंदर जाओगे ना तो पहले एक मिनट तो बहुत फटती है, एकदम चिल्ड पानी, बट वो एक मिनट के बाद एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है अकॉर्डिंग। बट बहुत देर भी मत रुकना क्योंकि फिर आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारी लग सकती है कुछ भी। बट ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया, बहुत फन था, जो हम रास्ता था चढ़ के आए इट वॉज़ वर्थ इट। यहाँ पे टेंपल है पीछे, मैं आपको टेंपल दिखाया, टेंपल में अंदर होके आया, और अंदर तक तो नहीं गया बिकॉज डार्क था, थोड़ा सा सांप वहाँ पर रहता है तो मैं इसलिए बिल्कुल अंदर नहीं गया, बट जहाँ वो ग्रिल लगी हुई थी वहाँ तक मैंने आपको व्यू दिखाया अंदर का, मतलब कैसा दिखता है। अभी अभी कोई पुजारी नहीं है यहाँ पे, ऑल्दो दिए वगैरह जल रहे हैं अंदर, तो मे बी सुबह शाम आते होंगे, आसपास रहते होंगे कहीं ना कहीं। बाकी अब हम लोग वापस चल रहे हैं, या अभी तो एकदम खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, उसके आगे थोड़ा डिसेंट स्टार्ट हो जाएगा, नीचे उतरने का होगा, एंड में एकदम थोड़ी चढ़ाई आएगी, बाकी तो अभी दिक्कत नहीं होगी। रास्ते में चलते हुए पैर अभी भी थोड़े थोड़े ठंडे हैं, गिरे थे थोड़े, टावल वावल नहीं था तो थोड़ा जीन से ही पहुँच लिया, थोड़ा ऐसा हवा से सुखा लिया। बाकी अभी चलते हैं और अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा गाड़ी के पास। अभी मन कर रहा है थोड़ी सी चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेट्स सी, लेट्स होप वहाँ जाके चाय मिल जाए, नहीं तो रास्ते में एक आधी शॉप और आई थी वहाँ ले लेंगे, वहाँ तो था ऑलरेडी खाने पीने का भी सामान था वहाँ पे, तो जाके देखते हैं। टाइम हो रहा है 4:00 इन द इवनिंग और अभी बाकी सब लोग होटल रुक गए हैं, भगवंत भाई को मैंने उतार दिया है क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा टायर्ड फील हो रहे हैं, किसी का मन नहीं आगे जाने का। यहाँ से एक जगह है, एक्चुअली एक जगह और थी कौसानी में, अनासक्ति आश्रम, जहाँ पे गांधी जी पे अपने टाइम पे आके उन्होंने यहाँ पे अनासक्ति योग किया था। अनासक्ति योग होता है जिसमें इंसान अपने आप को दुनिया की सारी चीज़ों से डिटैच करता है, तो उसके लिए महात्मा गांधी आए थे, इन फेमस है वहाँ पे अभी भी, मतलब उसके अंदर पढ़ा थोड़ा और मैंने अभी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वहाँ जाने का टाइम नहीं बचा अभी। यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैजनाथ करके जगह है, वहाँ पे बैजनाथ टेम्पल है, पुराने रुइंस है टेम्पल्स के, तो यहाँ से लगभग आधा घंटा लगेगा, 13-14 किलोमीटर्स है वो भी, तो अभी मैं जा रहा हूँ बैजनाथ टेम्पल, वो भी अकेले, अकेले तो नहीं, आप लोग भी साथ लेके जा रहा हूँ, तो आओ चलो चलते हैं। सो गाइस वैसे तो मैं बाकी सबके साथ होटल में रुक सकता था, आगे नहीं जाता, बट आगे जाने के मेरे दो रीजंस हैं। पहले रीज़न तो थोड़ा सेल्फिश है, अभी इतनी दूर आया हूँ घर से, फिर दिल में कोई ना कोई वो चीज़ रह जाती है कि यार जा सकता था नहीं होके आया, और फिर दोबारा इतनी दूर, मतलब सेम जगह पे आना होता भी नहीं है बहुत जल्दी, बहुत फ्रीक्वेंटली, तो पता नहीं कभी आना हो ना हो, तो मैंने कहा यार अगर वो जगह है अच्छी है देखने लायक है तो जाना चाहिए। अरे सामने ट्रक आ गया है, या
सो दूसरा रीजन मेरे जाने का है आप लोग, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह नहीं ट्रैवल कर पाते और मेरी वीडियोस के थ्रू आप लोग देखते हो, प्यार देते हो, तो कहीं ना कहीं मन में ये भी था यार कि मतलब अभी सोचा है व्लॉग में भी सब डालना है, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं मैं चले जाता हूँ, आप लोगों को भी वो जगह दिखाऊंगा। अभी मुझे फोटोज़ में तो मुझे बहुत सुंदर लगी थी, प्लस बहुत पुराने रुइंस हैं, आई गेस बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं जैसा मैं समझ पाया हूँ एक एरिया के अंदर, एंड ऐसी एक सिमिलर जगह अल्मोड़ा के अंदर भी है, बट अल्मोड़ा हम लोग नहीं गए बिकॉज अल्मोड़ा से कौसानी का रास्ता जो है वो काफ़ी ख़राब है, मैंने एक दो ब्लॉग्स में देखा था, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि वो रास्ता ख़राब है तो हम उस रास्ते से नहीं आए, अदरवाइज अल्मोड़ा भी थोड़ा बहुत लोकल हम एक्सप्लोर कर सकते थे, बट एनी हाउ दोस्त अच्छे के लिए होता है, अभी मैं जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा कुछ, इसमें मेरी दिल की तमन्ना भी अधूरी नहीं रहेगी और जो आप लोगों का प्यार है उस पर मैं खरा उतरूंगा कुछ। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ बैजनाथ, यहाँ पीछे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, एंड ये शायद कोसी रिवर है जहाँ तक मुझको याद है, शायद इफ़ आई एम रॉन्ग तो एक्सक्यूज़ मी, और रास्ता जो था यहाँ तक का ख़राब ही बोलूँगा, रोड्स बनी हुई हैं बट बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं उसमें, तो एवरेज स्पीड तो मेरी 20 थी, उससे ज़्यादा मैं चला ही नहीं पाया क्योंकि एकदम से स्पीड लो तो फिर गड्ढा जाता, फिर रोकना ही पड़ता था, और अभी थोड़ा पहले एक शहर आया था गरुड़ नाम का, वो तो भाई गॉड बहुत कंजस्टेड, प्लस ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं इस रूट के ऊपर, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट एनी आपके भाई ने मैनेज कर लिया है। अभी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, आई होप कि मैं सनसेट होने से पहले पहले बस जो भी दर्शन करके या जो भी टेम्पल्स हैं वो देख के निकल जाऊँ वापस, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा बिकॉज वापस जाके दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, फिर टाइम से सोना भी है क्योंकि कल जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी लगभग 400 किलोमीटर कल हम लोगों को कवर करना है घर जाते जाते, तो चलते हैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, ये है सारे टेम्पल के रुइंस पुराने, अभी मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि इसके बारे में ना पढ़ा था, व्लॉग्स में बस इतना ही देखा था कि जगह है सुंदर है, तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लेना और मुझे फिर से माफ़ कर देना। सो गाइस भाई के होते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, अंडा मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो टेंपल है ये लगभग 1100 साल पुराना है और अभी बाकी सारे टेंपल खाली हैं, जो ये सारे हैं, एक ये मेन टेंपल है और एक दो टेंपल और बोले जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है और एक और उन्होंने बताया, तो यहाँ पर अंदर एक शिवलिंग है जो उन्होंने बोला कि एक खुद प्रकट हुआ था पार्वती जी की मूर्ति है और उस मूर्ति के अंदर 26 देवियाँ बनी हुई हैं, 26 देवी देवता बने हुए हैं और एक गणेश जी की मूर्ति है, एंड उन्होंने बताया कि ये इंडिया में एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग भी है और पार्वती जी की मूर्ति भी है, तो ये जोड़ा किसी भी मंदिर में साथ नहीं होता बट ये एक लौता मंदिर है पूरे इंडिया में जहाँ पे जोड़े का साथ में जहाँ जोड़ा साथ में स्थापित है, ऐसे बोलूँगा, मुझे माफ़ कर देना मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, बट ये मुझे पंडित जी ने बताया। बाकी यहाँ पीछे रिजर्वायर है, लेक टाइप है, उस साइड पर रिवर है, बस अभी दिल खुश हो गया यहाँ तक आ गया अपने लिए आपके लिए, अभी बस निकलते हैं वापस, टाइम से पहुँचूंगा वहाँ जाके एंजॉय करना, और रास्ता थोड़ा ख़राब है तो अच्छा है कि दिन दिन में जितना रास्ता कवर हो जाए उतना बढ़िया है, बाकी देखते हैं जो होगा अच्छे के लिए होगा, चलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग, आज है हमारे ट्रिप का लास्ट डे, थोड़ी थोड़ी यू नो दिन में दुख है थोड़ा थोड़ा इतनी सुंदर जगह छोड़ के जाने का, तो और कल ब्लॉग ख़त्म करना भी रह गया था कि आए फिर काफ़ी लेट हो गया था और थक भी गया था, फिर थोड़ा बैठे पत्ते वत्ते खेले एंजॉय किया हम लोगों ने और काफ़ी फिर बातें बातें करी, काफ़ी दिल की बातें खुली रास खुले। अभी फ़िलहाल थोड़ा मैं रेडी हो गया हूँ, पैक कर लिया है, भाई भी रेडी है, बाकी सब लोग नीचे जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट लग गया है अभी, इट्स ऑलमोस्ट 7:15 7:30 एंड